नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर सैदी और स्टाइल्स के आज के इस एपिसोड में मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने। और एक बार फिर से महिलाओं के मुद्दे पर ही हम आज का स्टाइल्स करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर अपने एक फैसले में कहा है कि मुस्लिम महिला अपने पति के खिलाफ धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण की याचिका दायर कर सकती है। जी हाँ, ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और जस्टिस बीवी नागरत्न और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी ने अलग अलग फैसला सुनाया है, लेकिन दोनों की राय एक ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा सभी विवाहित और अविवाहित महिलाओं पर लागू होगी, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। ये जो फैसला है ऐतिहासिक है, और मैं इस फैसले को ट्रिपल तलाक से भी बड़ा रिलीफ मुस्लिम महिलाओं के लिए मानती हूँ, क्योंकि महिलाओं को तलाक का एक प्रोटेक्शन मिली कि उनको अगर तलाक दी जाती है गलत तरीके से तो कोर्ट जाने का अधिकार है, उनको प्रोटेक्शन मिली भारतीय कानून के अंतर्गत। हालांकि अभी मंजिल बहुत दूर है, दिल्ली बहुत दूर है मुस्लिम महिलाओं के लिए, क्योंकि राहें मुस्लिम महिलाओं के लिए उनके अधिकारों की और इंसाफ की तभी पूरी हो पाएंगी, वो मंजिल पर तब पहुंचेंगी जब मुस्लिम महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बार बार कहा गया है और इस देश की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोई कदम उठाएगी। हमारी याचिका भी, हम बहुत सालों से इस पे काम भी कर रहे हैं, 2018 से हमारी याचिका है सुप्रीम कोर्ट में, और इस पर सुनवाई भी हुई है बहुत सारी, और बहुत सारे डायरेक्टिव दिशा निर्देश कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं, लेकिन सरकार उन्हें नहीं किया। उम्मीद करते हैं कि अभी की सरकार इस पर कुछ करे। लेकिन इस आज के इस फैसले पर आते हैं जो कि कोर्ट का फैसला आया है, और मुस्लिम महिलाओं को जो प्रावधान और जो ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी करने का ये अधिकार मिला है, ये बहुत बड़ा रिलीफ है, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं की जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है ये एक बहुत बड़ा सवाल रही है, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या मुस्लिम महिलाओं के सामने रही है ट्रिपल तलाक के, हमने इतने सारे केसेस डील किए हैं और इतने सारे केसेस को डॉक्यूमेंट किया है, उसमें सबसे बड़ी जो समस्या मुस्लिम महिलाओं के समक्ष रही वो यही रही है कि एक कम पढ़ी लिखी महिला या जो बिना पढ़ी महिला है जिसके पास कोई स्किल नहीं है, कम उम्र में शादी कर दी जाती है, या फिर शादी पढ़ी लिखी भी होती है, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती है लेकिन उसने बाहर कभी निकल कर काम नहीं किया होता, उस महिला को चंद हजार रुपए का मेहर देकर जो मेहर तय होता है वो तय किया जाता है आज से 1400 साल पहले के हिसाब से। मेहर फातिमा, यानी कि जो बीबी फातिमा का मेहर तय किया गया था आज से 1400 साल पहले, आज की मुस्लिम महिलाओं का मेहर वही तय किया जाता है। बड़े गजब की बात है, क्योंकि इस्लाम तो कहता है कि जो पति है उसकी हैसियत के हिसाब से मेहर को तय करना चाहिए, लेकिन ये अधिकारों की जो बात होती है वो मुस्लिम महिलाओं को बताई नहीं जाती। लेकिन कहाँ पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकार छीने जाते हैं, मुस्लिम मौलानों को, मुस्लिम मर्दों को बखूबी पता है, क्योंकि इस फैसले पे भी टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर सारे कह रहे हैं कि उसको हम मेहर तो दे देते हैं, फिर हमारा कैसे लेना देना। बड़े दाढ़ी वाले पढ़े लिखे सक्षम मौलाना टीवी पर कहते नजर आ रहे हैं कि तलाक दे दी, आपको मेहर दे दिया, मेहर का कोई एलिमनी, मेहर एलिमनी नहीं होता है भाई साहब, मेहर होता है एक वेडिंग गिफ्ट जो एडवांस में निकाह से पहले दिया जाता है। आप थोड़ा सा कानून इस्लाम का ही सीख लीजिए, भारत का संविधान तो आपको कन्वीनियंट आप सीखते हैं, जहां पर आपको एक्सप्लॉइट करने का, देश में उन्माद फैलाने का, गुंडागर्दी करने का अधिकार मिल रहा होता है। लेकिन ये फैसला बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर से इस देश की मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के लिए। मैं काफी खुश हूँ, क्योंकि चाहे ये रेट्रोस्पेक्टिवली भी ना लागू हो, लेकिन आने वाली जो हमारी मुस्लिम महिलाएं हैं, जो बेटियां हैं, और इस देश की सभी बेटियों को ये अधिकार मिल रहा है, बड़ा रिलीफ है। क्योंकि आज से 38 साल पहले शाहबानो को उसके अधिकारों से वंचित रखा गया था, तत्कालीन जो सरकार थी राजीव गांधी की, उन्होंने इस फैसले को पलटा था। आज भी टीवी डिबेट पर कांग्रेस के जो नेता है वो कहते हुए नजर आए, मेरे साथ एक डिबेट में कहा है कि हम अपनी पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, और जो आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, बीजेपी पीएम मोदी ये क्यों नहीं मान लेते कि उन्हीं का फैसला, भाई उनका ये भी फैसला है, किसी का भी फैसला, हम तो बड़े खुश हैं। जो संविधान कहता है, समान अधिकार सुनिश्चित करता है, वो चाहे सरकार दे, सुप्रीम कोर्ट दे या कोई पार्टी दे, हमें अधिकार मिल रहा है इस देश की महिलाओं को, वो संविधान के अंतर्गत समान अधिकार अगर कोई पार्टी सुनिश्चित करा रही है या कोई प्रवक्ता सुनिश्चित करा रहा है, ये बड़ी बात है कि कौन इंसाफ के अधिकार की बात करे। लेकिन आप ठहरे मुस्लिम महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने वाले, तो आपको तो एजेंडा लगेगा ही। मुस्लिम महिलाओं को अधिकार मिलता है तो एजेंडा लगता है, लेकिन आप मुस्लिम महिलाओं को अधिकारों से वंचित रखते हैं। और लाखों की संख्या में जब मौलाना इकट्ठे होते हैं इंडिया गेट पर, तत्कालीन जब राजीव गांधी की सरकार थी शाहबानो के समय में, तब उस फैसले को पलट दिया जाता है, तब वो फैसला किसका था, क्योंकि वो फैसला आपके मुताबिक नहीं था कोर्ट का, और आपकी वोट बैंक को सूट नहीं करता, तो आपने उस फैसले को पलट दिया था। बड़ी विडंबना है और बहुत ही दुख की बात है कि 77 साल बीत गए इस देश को आजाद हुए, और
38 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं शाबानो के इस फैसले को आए हुए। अभी चंद साल पहले हमें 2019 में ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट कानून हमको मिला। आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला है कि मुस्लिम महिलाओं को भी अधिकार है कि 125 सीआरपीसी के तहत वो भी अधिकार मांग सकती हैं। भला हुआ इस कोर्ट का कि उन्होंने आखिर इस देश की मुस्लिम महिलाओं की सुधरी, लेकिन आज भी मुस्लिम महिलाओं के नाम पर सिर्फ राजनीति हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यही है कि हमारे देश के जो हमारे समाज के मुस्लिम समाज के जो ठेकेदार हैं मौलाना, वो आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। और बड़ी ही शर्म की और बड़ी अजीब सी बात है कि मुस्लिम महिलाओं को किस तरह से उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। और मुझे लगता है मुस्लिम महिलाएं भी खुद नहीं जानना चाहती, वो कोई वही दाढ़ी टोपी वाले जो मुल्ला जी समझा कर चले जाते हैं कि नहीं आपको जो मेहर मिल गया वही आपका हो गया। बस 50,000 रुपए आज के जमाने में 50,000 रुपए में एक छोटा सा ढंग का फोन भी नहीं आता है। डेढ़ डेढ़ दो दो लाख रुपए की महिलाएं फोन लेकर घूमती है और आप 50,000 रुपए में किसी की जिंदगी तय कर देती है, वो भी जो मेहर होता है वो वेडिंग गिफ्ट होता है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी उसके गुजारे भत्ते की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी एक शोहर पर होती है और डिवोर्स के बाद उस बच्चे की और महिला की जिम्मेदारी होती है कानून के तहत भी और भारत के संविधान और शरीयत के मुताबिक भी। लेकिन आप कोई सा भी कानून नहीं मानते जहां जब बात आती है महिलाओं को अधिकार देने की। तो बड़ा फैसला, बहुत अहम फैसला और बहुत मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ। और मुझे लगता है कि इस देश की हर एक महिला को, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं को खुश होना चाहिए क्योंकि हम इस भारत में जन्मे हैं। और आज देर से ही सही कोर्ट की तरफ से फैसला आना स्वागत योग्य है। और कहीं ना कहीं जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी दुकानें खोली गई चलाई गई उनका ताला लगने का दिन आ चुका है। और उम्मीद करते हैं कि मैं तो अपने जीवन काल में मैंने जैसे कि 370 हटते हुए देखा, राम मंदिर बनते देखा, तीन तलाक के लिए कानून बनते देखा, आज ये गुजारे भत्ते का फैसला आते देखा। मैं चाहती हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी बैन हो जाए और जो मौलाना पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है इसकी दुकानदारी बंद हो ताकि इस देश में जो सेक्युलरिज्म के नाम पर ये शोषण की राजनीति मुस्लिम महिलाओं की है इन मौलानाओं ने, मौलाना पर्सनल लॉ बोर्ड ने, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो है नहीं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड होता तो मुसलमान महिलाओं की भी बात होती, इन्होंने कभी मुसलमान महिलाओं की बात नहीं की। उनके किसी बोर्ड में किसी भी उनकी कमेटी में महिलाएं नहीं है। ये मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं। इतने सालों में अपने महिलाओं के अधिकार के लिए कुछ नहीं किया तो आज क्या करेंगे? आप महिलाओं का शोषण करते आए हैं और चंद रुपयों में उनकी कीमत लगाने वाले लोगों से हमें किसी तरह की कोई उम्मीद नहीं और ना ही हम उनको अपनी लीडरशिप मानते हैं। हमें हमारा मुतालबा इस देश की सरकार से है, इस देश के जो न्यायालय है उससे है, न्याय व्यवस्था है उससे है और उन्हीं से उम्मीद है। हम किसी और से क्यों अपना अधिकार मांगे जब हमारे संविधान ने दिया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।